नमस्कार, मेनुका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अंडा कड़ी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही इजी होता है। इसे बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है। अंडा कड़ी बनाने के लिए आपने 4 बॉयल्ड अंडा लेना है। इसको छील के आपने बीच से अलग कर देना है। ग्रेवी के लिए आपने 2 टमाटर लेना है, 2 हरी मिर्च लेना है, आधी इंच आपने अदरक लेना है, 1 छोटा प्याज लेना है, 6-7 कलियां आपने लहसुन का लेना है, और आपने ये 6-7 पत्ते आपने पुदीना का लेना है, 1 गुच्छे आपने ये हरा धनिया लेना है। इन सब को मिक्सी ग्राइंडर में डाल के आपने इसका पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए, पेस्ट में ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी लेना है, 1 बड़ी चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर लेना है, 1 बड़ी चम्मच आपने जीरा धनिया का पाउडर लेना है, नमक आपने स्वाद अनुसार लेना है, आधी कटोरी आपने सरसों या रिफाइन का तेल लेना है। ग्रेवी के लिए आपने 1.5 मग पानी लेना है। ग्रेवी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम अंडा कड़ी बनाते हैं। ये देखिए, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे। मसाला डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब ये तेल ना छोड़े। ग्रेवी खुद तेल छोड़ने लग जाएगा ये मसाला। आपने फुल आंच में ग्रेवी तैयार करना है। ये देखिए, मसाला भुन गया है और ये तेल भी छोड़ रहा है। अब हम इसमें ये पानी डालेंगे। 1 मग पानी और डालूंगी। टोटल इसमें मैंने 2 मग पानी डाली हूँ। पानी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। पानी डाल के आपने इसको अच्छे से चलाना है। अब आपने इसमें 1 उबाल आने देना है। ये देखिए, इसमें 1 उबाल आ गया है। अब आपने गैस के फ्लेम को स्लो करके आपने इसको 5 से 7 मिनट तक और पकाना है। ये देखिए, 7 मिनट हो गया है और हमारा ये जो तरी है ये तैयार हो गया है। देखिए, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम इसमें ये बॉयल्ड अंडा डालेंगे। अंडा डालने के बाद इसको आपने हल्का हाथ से चलाना है, बिल्कुल हल्का हाथ से। अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे। हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक देना है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए, अंडा कड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंडा कड़ी की रेसिपी बनके तैयार हो गया है। आप इसको गरम गरम चावल के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।